जो रेडी वाला आता है ना उठाने के लिए कचरा, वो 50-50 रुपए हर घर से ले लेता है महीने के, ठीक है। तो इस वजह चलो हम ये कहते हैं कि चलो गरीब आदमी है उसका तो भला हो जाएगा, लेकिन गाड़ी वाला तो जो है हमारे बिजली बिल में जो नगर निगम का टैक्स लग के आता है, गाड़ी का टैक्स लगता है, वो किस वजह से लग के आ रहा है? जो नगर निगम हमारे से टैक्स ले रहा है इस गाड़ी का, जो गाड़ी का भी तो पैसा जा रहा है ना, हमारे टैक्स जो ले रही है गवर्नमेंट हमारे से पब्लिक से, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे घर के आके तो गाड़ी नहीं आ रही। नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो निगम के कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, चाहे वो रिक्शा वाला हो चाहे वो गाड़ी वाला हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो पैसे मांगे। और कोई पैसे अगर देता है तो मेरे संज्ञान में मामला लाए, मैं उनको पूछूंगा भाई क्यों पैसे लेता है। और पैसे लेना एक सबसे बड़ा जुर्म बात है। जब सरकार इनको या ठेकेदार या कंपनी इनको तनख्वाह देती है, पगार देती है, तो ये पैसे किस बात के मांगते हैं? मेरा नाम सोनिया है और यहाँ पे इतना कूड़ा पड़ा होता है, ना यहाँ नगर निगम की गाड़ी आती है, उस रोड पर आती है, इस रोड पर नहीं आती। और जो गाड़ी लेके आता है ना, उसको भी मैंने 2 बार कहा है कि आप इस रोड पे गाड़ी क्यों नहीं लाते। क्या कारण है? तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया गाड़ी का। एक बार भी नहीं आती। एक बार भी, जब ये सड़कें बनी थी ना उससे पहले आती थी गाड़ी, जब ये सड़कें बन गई उसके बाद गाड़ी नहीं आई। 2-3 साल हो गए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? गाड़ी आ नहीं सकती सड़क? नहीं मैम, आ सकती है, गाड़ी क्यों नहीं आ सकती इतनी उल्टा? हाँ जी, कहा क्या क्या आई थी मैम वहाँ नगर वहाँ पे भी गाड़ी वाले को ही हमने कहा था, उन्हीं को कम्प्लेन करी थी। तो क्या करता? वो बोले हम नहीं आएंगे, या उधर आते हैं वहाँ से, वहाँ जाके वहाँ कूड़ा फेंको, यहाँ नहीं फेंको। हाँ जी। और यहाँ पे जो कूड़ा वाले आता है, जो रेडी वाले आते हैं, वो हर किसी से 50-50 रुपए मांग लेता है कि मैं तब फेंके जाऊंगा, 50 रुपए मेरे को दोगे तब मैं कूड़ा उठा के तुम्हारे घर से लेके जाऊंगा। पहले इस रोड पे हर गली के आगे गाड़ी रुकती थी, हम कूड़ा फेंकते थे, हर चौक पे खुटती थी। गाड़ी वालों को पैसे नहीं दिए थे, पर जो रेडी वाला आता ना उठाने के लिए कचरा, वो 50-50 रुपए हर घर से ले लेता है महीने के, ठीक है। तो इस वजह चलो हम ये कहते हैं कि चलो गरीब आदमी है उसका तो भला हो जाएगा, लेकिन गाड़ी वाला तो जो है हमारे बिजली बिल में जो नगर निगम का टैक्स लग के आता है, गाड़ी का टैक्स लगता है, वो किस वजह से लग के आ रहा है? जो नगर निगम हमारे से टैक्स ले रहा है इस गाड़ी का, जो गाड़ी का भी तो पैसा जा रहा है ना, हमारे टैक्स जो ले रही है गवर्नमेंट हमारे से पब्लिक से, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे घर के आके तो गाड़ी नहीं आ रही। हम किसको कम्प्लेन करें? हम नगर निगम गया था तो उन्होंने सुनवाई नहीं करी। ये मेरे को 2-3 महीने हो गए, मैं तो बिजली का बिल भी लेके गया था कि बिजली के बिल में इस चीज का टैक्स लग रहा है, तो ये कहाँ से मैं करूँगा मेरे काम को? अब ये मतलब मेरे को ध्यान नहीं है कौन मिला था वहाँ पे। नहीं नहीं, मेरा डिप्टी मेयर तक नहीं गया हूँ, वहाँ तक नहीं गया हूँ। अगर इतने ऊपर लेवल तक जाऊँगा तो ऑब्वियस है मेरे को लग रहा है कि वहाँ तक चोर ले जाएगा। एमसी से नहीं बोली मैंने ये बात, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गाड़ी जो आती थी वो आनी बंद हो गई पिछले 1-1.5 साल से। सरकारी स्कूल है लड़कियों वाला, मंडी वाली रोड पे, उसके बैक साइड वाली गली में जो है कूड़े वाली जो गाड़ी आती है, जो ऑटो आता है सुबह का, वो नहीं आ रहा है पिछले काफी समय से। देखो ऐसा है जी, ये मामला मेरे को संज्ञान में नहीं आया और ना वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे ये बताया है, आपके माध्यम से मुझे ये पता चला है। और जब आपके माध्यम से पता चला तो मैंने तुरंत जो सुपरवाइजर है मेरे इलाके का, साहिल है, मैंने उससे बात की है और बात करके उन्होंने ये कहा कि गाड़ी वहाँ नहीं आती, वहाँ रिक्शे वाला आता है और रिक्शे वाला जो है ना वो कूड़ा उठा करके ले जाता है। गाड़ी भी कभी कभी आती है पर गाड़ी रूटीन में नहीं आती, रिक्शा वाला रूटीन में आता है। तो इसलिए मैंने उनको बोल दिया है कि रिक्शा वाला वहाँ सीटी मारे, आवाज़ लगाए, ताकि लोगों को ये पता चले कि मैं आया हूँ और इस गाड़ी के अंदर या रिक्शा के अंदर आप कूड़ा डाल दें। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का कहना है कि रिक्शे वाला 50 रुपए भी मांगता है, मतलब वहाँ से सामान उठाने के, कूड़ा लेने के, तो केवल कुछ ही लोग डालते हैं जो 50 रुपए देते हैं, बाकी लोग नहीं डाल पाते? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो निगम के कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, चाहे वो रिक्शा वाला हो चाहे वो गाड़ी वाला हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो पैसे मांगे। और कोई पैसे अगर देता है तो मेरे संज्ञान में मामला लाए, मैं उनको पूछूंगा भाई क्यों पैसे लेता है। और पैसे लेना एक सबसे बड़ा जुर्म बात है। जब सरकार इनको या ठेकेदार या कंपनी इनको तनख्वाह देती है, पगार देती है, तो ये पैसे किस बात के मांगते हैं? और अगर ये मांगेंगे, अगर मेरे मामले में संज्ञान में कोई मामला आएगा, ये मुझे कोई बताएगा या वीडियो उसकी कोई होगा, तो मैं ये पूरा संज्ञान में मामला लूंगा और कार्रवाई की जाएगी उस पर।